मौसम की शिद्दत में इजाफा होते ही पंजाब में गैस बुरहान शिद्दत अख्तियार कर गया। सीएनजी सेक्टर को हफ्तावार 3 रोज लोड शेडिंग के अलावा रोजाना सुबह 6 बजे से 9 बजे जबकि शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक सप्लाई बंद रखने का हुक्म दे दिया गया। वहीं पर पंजाब की इंडस्ट्री को गैर महीना मुद्दत के लिए गैस फरहमी बंद कर दी गई, जिससे सीएनजी सेक्टर के बाद अब सनअती शोभा भी सड़कों पर आने पर मजबूर हो गया। पंजाब भर के चैम्बर्स और तजारती तंजीमों के नुमाइंदों ने लाहौर से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली और धरना दिया, जबकि 7 जनवरी को वजीर आजम कैंप ऑफिस लाहौर के बाहर धरने और फिर सिविल नाफरमानी की धमकी दे दी। सैटरडे को सेकंड जो फर्स्ट फेज में हम प्राइम मिनिस्टर हाउस लाहौर के सामने धरना देंगे और उस वक्त तक धरना देते रहेंगे जब तक हमारा मुतालबा जो है मंजूर नहीं होगा, और अगर उसके बाद भी हमारा मुतालबा या हमसे जो है मुजाकरात और उसमें हमारी जो मुतालबात नहीं माने जाते मजबूरन हमें फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाना पड़ेगा और उसमें फिर जो है कोई बिल कोई भी जो है अदा नहीं करेंगे। लाहौर चैम्बर में होने वाले आल पंजाब चैम्बर्स इजलास में शरीक अफराद का मौकफ है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, हम जो हमारी डेडलाइंस हैं वो मीट विद नहीं कर पा रहे, और दूसरा ये असर हो रहा है कि हम जो है ना वो कम्पेटिटिव नहीं रह रहे, ये जो प्राइसेस बढ़ा देते हैं हर फोर्टनाइट पे वो हमें टोटली नामंजूर है। इस वक्त मजदूर जो है वो शदीद परेशानी में है क्योंकि जारी बात है बंद इंडस्ट्री के कितने महीने बंदा पैसे दे देगा, उनको कितने महीने तनखा दे देगा, हम कब तक ये बिल देंगे, कब तक ये बैंकों के मार्कअप्स देंगे, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है और डेफिनेटली मजदूर तो बहुत परेशान है, चूल्हे बंद हो गए। सुनील नादरन के मुताबिक इंडस्ट्री की गैस बंद करने का मकसद घरेलू सार्फिन को पूरा प्रेशर फराम करना है, लेकिन अभी तक डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को उनकी जरूरत के मुताबिक गैस नहीं मिल पा रही। हुकूमत अगर गैस बुरान पर चैम्बर्स और तजारती तंजीमों को मशावरत में ले ली थी तो आज इन तंजीमों की जानिब से धरने और सिविल नाफरमानी की कॉल ना देनी पड़ती। कैमरामैन ज़ैद महमूद के साथ आसिम हमीद, न्यूज़ 5 लाहौर।